नमस्ते फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? हम अपने बच्चे को स्वस्थ रखने के लिए सब कुछ कर सकते हैं, पर कहीं ना कहीं हमसे कोई गलती ऐसी हो ही जाती है जिससे कि बच्चा विकलांग यानी कि अब नॉर्मल हो सकता है। तो ये वीडियो मैं इसीलिए बना रही हूँ कि हमसे ऐसी कोई गलती ना हो। इस वीडियो में मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताना चाहती हूँ कि क्या करने से बच्चे में प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आप अपनी कोई गलती मिस नहीं करना चाहते हो या आप अपने बच्चों को विकलांग होने से बचाना चाहते हो तो ये वीडियो ज़रूर देखें, एंड तक देखें। हर एक बात जो मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ वो साइंटिफिकली प्रूविन बात है और आप को कहीं ना कहीं आपकी गलती कहाँ पे हो रही है वो समझ में आ जाएंगी। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिसको करने से बच्चा विकलांग पैदा हो सकता है। तो हर महिला चाहती है कि उसका बच्चा मेंटली और फिज़िकली हेल्दी हो, पर उसके लिए उसको क्या करना है ये वो नहीं जानती और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है। तो सबसे पहले जानते हैं ऐसी वजह जिससे कि माँ की गलती की वजह से बच्चा विकलांग हो सकता है। तो सबसे पहली वजह है फोलिक एसिड की कमी होना। जी हाँ, अगर आपकी बॉडी में पहले से ही फोलिक एसिड की कमी है तो बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स यानी बच्चे के रीढ़ की हड्डी में जो रीढ़ की हड्डी भरनी चाहिए वो नहीं होते हैं। जैसे आप ये फ़ोटो में देख सकते हो, स्पाइना बाइफिडा, मेनिंगोमाइलोसिस, ये सारे अबनॉर्मलिटीज़ बच्चे में हो सकते हैं आपके बॉडी में फॉलिक एसिड की कमी की वजह से। तो आपको प्रेगनेंसी प्लान करने से 3 महीने पहले से ही फॉलिक एसिड की गोली चालू रखनी है, प्रेगनेंसी प्लान करनी है और प्रेगनेंसी के दौरान भी आपको फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट्स लेने हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें फॉलिक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है वो आपको खाना है। तो आपको आपके खाने में गोभी, ब्रोकोली, छोले, एवोकाडो, पपैया, बनाना, पीनट्स, राजमा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें फोलेट की मात्रा अच्छे प्रमाण में रहती है। तो आपको आपके फोलेट का इनटेक सही से रखना है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपकी एज ज़्यादा है और आप ज़्यादा एज में प्रेगनेंसी प्लान करते हो, आपकी शादी हो गई है और आपकी एज 35 के ऊपर है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपना प्रेगनेंसी कोई भी वजह से पोस्टपोन ना करें, डीले ना करें और आप अपनी प्रेगनेंसी जल्दी प्लान कर लें। क्योंकि अबाउट 35 ईयर्स यानी कि 35 साल के ऊपर की उम्र की वजह से, एज की वजह से अंडे की क्वालिटी जो होती है वो ख़राब होती है, अंडे की क्वांटिटी भी कम हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में अगर अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं रहती है तो बच्चे आने वाले बच्चे में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बच्चा विकलांग हो सकता है, बच्चा मेंटली थोड़ा सा कमज़ोर हो सकता है। अगर 35 इयर्स के बाद अंडे की क्वालिटी सही नहीं रहती है तो डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, ऐसे बहुत सारे अबनॉर्मलिटीज़ बच्चे में हो सकते हैं। तो लेडीज़, मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि प्रेगनेंसी आप 35 इयर्स के अंदर ही प्लान करें और खामोखा ही प्रेगनेंसी को डिले ना करें। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि कई बार हमने देखा है कि काफ़ी कम्युनिटीज़ में शादियां जो है वो रिश्ते में होती हैं। तो शादियां अगर नज़दीकी रिश्तेदारों में की जाती हैं तो उनके जीन्स और उनका ब्लड ग्रुप सेम होने की वजह से जो आने वाला बच्चा होता है वो विकलांग पैदा हो सकता है। तो ये बात हम सब पे लागू नहीं होती है, लेकिन कहीं कम्युनिटीज़ में जहाँ पे शादियाँ रिश्ते में होती है ऐसा देखा जाता है कि उनके बच्चे अक्सर थोड़े से मेंटली या फिज़िकली अबनॉर्मल रह सकते हैं, उनको अबॉर्शन के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। और चौथा इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप
प्रेगनेंसी में दारू या धूम्रपान या तंबाकू का सेवन कर रहे हैं तो ये आपके आने वाले बच्चे में बिल्कुल हार्मफुल रहता है, बच्चा अबनॉर्मल बन सकता है। इनफैक्ट हमारे साइंस में ऐसा इसके ऊपर पूरी स्टडी हुई है और फीटल अल्कोहल सिंड्रोम है, ये एक सिंड्रोम है जिसमें बच्चे की नाक जो है वो चपटी रहती है और सर थोड़ा सा छोटा रहता है, फेस भी पतला होता है, जैसे कि आप ये यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हो। तो अगर आप प्रेगनेंसी चाहते हो तो या फिर प्रेग्नेंट हो तो तुरंत तंबाकू या दारू का सेवन बिल्कुल कम कर दें और अगर हो सकता है तो आप बंद कर दें। पांचवी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपकी कोई दवाइयाँ पहले से ही चालू हैं, मेडिकेशंस और इन्फेक्शंस, जी हाँ, अगर आपकी प्रेगनेंसी से पहले ही कोई गोली ऐसी चालू है तो आपको प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले आपके डॉक्टर से सलाह लेनी होगी, क्योंकि अगर आपको कोई भी ऐसी बीमारी के लिए गोली चालू है तो ये गोली की वजह से आपके आने वाली प्रेगनेंसी में जो आने वाले बच्चे में जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चा विकलांग पैदा हो सकता है, तो आपको उसकी जो आपको प्रॉब्लम है उसकी ट्रीटमेंट जो है आपकी कंप्लीट करें और फिर ही प्रेगनेंसी प्लान करें। क्योंकि इसका एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगी कि मेरी एक पेशेंट को स्किन के पिंपल्स के लिए आइसोरेटिनिन, ये गोली उसके स्किन के डॉक्टर ने उसको दे के रखी थी, लेकिन उसने प्रेगनेंसी में उस दौरान वो ट्रीटमेंट के दौरान उसकी प्रेगनेंसी भी रुक गई और प्रेगनेंसी के दौरान उसने वो गोली का इनटेक भी किया, जिससे कि उसको बाद में बच्चे को गिराने की नौबत आ गई। तो अगर आपको कोई भी ऐसी ट्रीटमेंट चालू है, दूसरे एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगी कि कई लेडीज़ को ट्यूबरक्लोसिस टीबी के लिए कुछ गोलियाँ ऐसी चालू होती हैं जो कि आने वाले बच्चे को हार्मफुल हो सकती हैं। तो अगर आपकी टीबी की कोई गोली चालू है तो आप कृपया करके पहले वो अपना टीबी का ट्रीटमेंट पूरी तरह से कंप्लीट करें, उसके बाद ही आप प्रेगनेंसी प्लान करें, नहीं तो गर्भपात करना पड़ सकता है। तो ऐसे ही आपको कोई भी बीमारी है तो आप उसका इलाज पूरी तरह से प्रेगनेंसी से पहले करें, और अगर आप प्रेगनेंसी चाहती हैं तो अपने डॉक्टर के साथ इसको डिस्कस करें और प्रेगनेंसी प्लान करके रखें, इससे आपके आने वाले बच्चे, आपकी तबीयत भी स्वस्थ रहेगी। सो लेडीज़, उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और ये गलतियाँ आप बिल्कुल ना करें। आप ये वीडियो को ध्यान से देखें और सारे पॉइंट्स को लिख लीजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो, जिनको आपके साथ वो प्रेग्नेंट है या प्रेगनेंसी चाहती हैं, उनके साथ बिल्कुल ये वीडियो शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे ऐसे ही वीडियोज़ के लिए मेरे साथ बने रहे। थैंक यू।